पेशाब बार बार थोड़ा थोड़ा आना और पेशाब करने के बाद दर्द जलन महसूस होना प्राइवेट पार्ट पर। यदि इस समस्या से परेशान है तो एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है जो आप अपनाकर एक दो दिन में या तुरंत पेशाब से जलन से राहत पा सकते हैं। दोस्तों, पेशाब में जलन होने का यदि कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण होता है पेशाब के रास्ते में या मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन की समस्या होना, और जब ऐसा हो जाए तब आपके पेशाब के रास्ते में सूजन आ जाती है और पेशाब का जो मार्ग होता है वो इरिटेटेड हो जाता है, जिसके कारण आपको पेशाब करने के बाद जलन की समस्या आती है। इसके अलावा छोटे मोटे कारण और भी जिम्मेदार हो सकते हैं पेशाब में जलन के पीछे, जैसे कि शरीर में गर्मी अधिक होना, ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन करना, शरीर में पानी की कमी होना, डायबिटीज़ की समस्या होना, या फिर किसी दवा का सेवन करने के बाद आपको पेशाब में जलन होना, कॉफ़ी चाय तंबाकू आदि का सेवन करना। तो दोस्तों, पेशाब में जलन के कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि पेशाब में जलन को कैसे हम तुरंत कम करें। पेशाब में जलन को मिटाने वाला, रोकने वाला या दूर करने वाला एक रामबाण नुस्खा होता है, और वो है धनिया का पाउडर और मिश्री का इस्तेमाल करना। हर कोई इसको बनाने की विधि बताता है, लेकिन असल में यह नुस्खा काम कैसे करता है इसके बारे में कोई नहीं बताता। दोस्तों, सीधी सी बात है, पेशाब में जलन क्यों आती है? जब आपके मूत्र मार्ग में किसी कारण से इरिटेशन हो या सूजन की समस्या हो तो ऐसे में पेशाब करने के बाद आपको जलन की समस्या आ जाती है। तो ऐसे में आपको इसलिए आपको ऐसा घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए जो कि पेशाब की जलन को कम कर सके, आपके मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन को कम से कम कर सके, और जो मूत्र मार्ग में सूजन या इरिटेशन है उसको दूर कर सके और शरीर की गर्मी को कम कर सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिश्री की। मिश्री तासीर में या प्रकृति में बहुत ही ठंडी होती है, यही कारण है कि बच्चों को जब सुबह बादाम दिए जाते हैं दिमाग तेज करने के लिए तो बादाम गर्मी करते हैं, और उस गर्मी को कम करने के लिए अक्सर बादाम के साथ मिश्री खाने की सलाह दी जाती है ताकि बादाम गर्मी ना करें। और मिश्री का यदि आप सेवन करते हैं तो ऐसे में आपके शरीर को बहुत ठंडक मिलती है और यदि पेशाब में जलन की समस्या है तो वह दूर होती है। अब बात आती है धनिया की। दोस्तों, धनिया में इन्फेक्शन को कम करने वाले, सूजन को कम करने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए धनिया का सेवन जब आप करते हैं तो आपके मूत्र मार्ग में इरिटेशन और सूजन जो आई हुई है वो दूर होती है। इसके अलावा धनिया पाउडर एक डायूरेटिक की तरह कार्य करता है, यानी कि आपके शरीर में पेशाब का निर्माण तेज करवाता है, जिससे कि आपको पेशाब अधिक आता है और पेशाब थोड़े थोड़ा आने की या रुक रुक कर आने की समस्या दूर होती है और आपको राहत मिलती है। इसके अलावा धनिया पाउडर जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। पेशाब की जलन रोकने, कम करने या मिटाने के लिए या तुरंत मिटाने के लिए आपको यदि इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना है तो एक चम्मच धनिया पाउडर लें और एक चम्मच मिश्री पाउडर लें, इन दोनों को मिला लें। ये दो चम्मच की खुराक बन जाएगी। एक चम्मच आप पानी में डालकर पी लें सुबह खाली पेट, और एक खुराक आपको रात को सोने के पहले खानी है। आप ये नुस्खा जब एक दिन ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले दिन से ही पेशाब में जलन से या रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशाब जलन वाला आना की समस्या से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से आपके शरीर में ठंडक बढ़ेगी, जिसके कारण पेशाब में जलन दूर होगी। इसके अलावा आपको पानी की भी खुराक मिलती रहेगी, या आप भरपूर मात्रा में इस नुस्खे के द्वारा पानी का भी सेवन करेंगे तो ऐसे में शरीर में पानी की कमी भी दूर होगी, जो कि पेशाब में जलन होने का दूसरा बड़ा कारण माना जाता है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद जितना हो सके आपको पानी का सेवन करना है। जितना आप पानी पियेंगे उतना जल्दी आपको आराम भी मिलता रहेगा। मिर्च मसालेदार तली हुई चीज़ें खाने से आपको परहेज करना है। चाय कॉफ़ी का सेवन आपको बंद करना होगा। शराब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना।
कुल मिलाकर जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें तब आपको हेल्दी खाना है जिससे आपके शरीर को पोषण मिलता रहे। यदि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी समस्या दूर ना हो, कम ना हो, तो ऐसे में आपको किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी जांच करवानी चाहिए ताकि सही कारण का पता लग सके। जैसे यदि मूत्र मार्ग में, गुर्दे में या मूत्राशय में पथरी की समस्या है तो उसका समय पर पता लग सके और आपको ज़रूरी इलाज भी मिल सके। तो दोस्तों, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। यदि आप